दोस्तों मैं जेपी भाकर, आज हम विश्व भूगोल पार्ट टू पढ़ेंगे, जिसके अंदर आपको ग्रहण और देशांतर के बारे में जानकारी मिलेगी। देखिए, सबसे पहला टॉपिक है, जब पृथ्वी सूर्य व चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो चंद्रमा को सूर्य का प्रकाश प्राप्त नहीं हो पाता है, जिसके कारण पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ने लगती है। इस कारण इसे चंद्र ग्रहण कहा जाता है। यानी सीधी सी मोटी मोटी बात यही है कि सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है और पृथ्वी की छाया चंद्रमा पर पड़ती है, जिसके कारण हमें चंद्रमा का जो प्रकाश नहीं पहुंच पाता है, उसे हम चंद्र ग्रहण कहते हैं। और जो चंद्र ग्रहण है वो सदैव पूर्णिमा के दिन होता है। अब ऐसा नहीं कि चंद्र ग्रहण हर किसी दिन हो जाए, बस एक फिक्स टाइम होता है, पूर्णिमा के दिन। और ये भी जरूरी नहीं कि प्रत्येक पूर्णिमा को हो, प्रत्येक पूर्णिमा को होना जरूरी नहीं है, पर जब भी चंद्र ग्रहण होगा तो पूर्णिमा के दिन होगा। जब चंद्रमा पृथ्वी एवं सूर्य के बीच आ जाता है तो चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है एवं सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, इसे सूर्य ग्रहण कहा जाता है। अब दोस्तों, जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है और जिसके कारण चंद्रमा की छाया पृथ्वी पर पड़ती है, यानी सूर्य का प्रकाश पूर्ण रूप से पृथ्वी को नहीं मिल पाता है, तो हमें सूर्य कट्टावासा लगता है। जहाँ चंद्रमा आ गया है वहाँ जो छाया है वो, तो हम उसको कहते हैं सूर्य ग्रहण। और सूर्य ग्रहण सदैव अमावस्या का दिन ही होता है। यानी यहाँ पे ये बात हो गई कि जो चंद्र ग्रहण है वो तो पूर्णिमा के दिन होगा और सूर्य ग्रहण है वो अमावस्या के दिन है होगा। और एक जो एक वर्ष है, कैलेंडर वर्ष है, उसमें अधिकतम 7 ग्रहण हो सकते हैं, सूर्य और चंद्र ग्रहण दोनों को मिलाकर। यानी एक कैलेंडर वर्ष में अधिकतम कितने ग्रहण हो सकते हैं? 7 ग्रहण हो सकते हैं। सूर्य ग्रहण की घटना वर्ष में कम से कम 2 बार होती है। यानी सूर्य ग्रहण है जो एक वर्ष के अंदर कम से कम 2 बार होता है और ज़्यादा से ज़्यादा 5 बार हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, आप हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इसके अलावा इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। तो लाइक तो आप तुरंत कर सकते हैं। हमारा नया इसमें आगे टॉपिक है अक्षांश और देशांतर, इसके अंदर भी मैंने कुछ क्वेश्चन इंपॉर्टेंट लिए हैं, वो देख लीजिए। भूमध्य रेखा का अक्षांश मान 0° होता है, जिसके उत्तर में 90° अक्षांश और दक्षिण में 90° अक्षांश है। अक्षांश रेखाओं को अंश, मिनट और सेकंड में व्यक्त किया जाता है। ये कुछ रेखाएं हैं, जैसे 23.5° उत्तरी अक्षांश है उसको हम कर्क रेखा कहते हैं, 23.5° दक्षिणी अक्षांश उसको हम मकर रेखा कहते हैं, 66° उत्तरी अक्षांश को हम आकर्टिक वृत्त कहते हैं और 66° दक्षिणी अक्षांश को हम अंटार्कटिक वृत्त कहते हैं। ये जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1° अक्षांश के बीच की दूरी लगभग होती है, तो इसका सही आंसर है 111 किलोमीटर। देशांतरों की कुल संख्याएं होती है 360। विषुवत रेखा पर दो देशांतरों के बीच की दूरी, जो बीच है विषुवत रेखा पर दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी है वो होती है 111.32 किलोमीटर, जो ध्रुव की ओर लगातार घटती हुई जाती है और ध्रुवों के ऊपर शून्य हो जाती है। अब पृथ्वी 360° घूमने में 24 घंटे का समय लगाती है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि 1° की दूरी तय करने में पृथ्वी को 4 मिनट का समय लगता है। तो कई बार ये क्वेश्चन आता है कि पृथ्वी को 1° दूरी तय करने में कितना समय लगता है, तो हम ये कहेंगे 4 मिनट का समय लगता है। इस प्रकार से आप हमारे YouTube चैनल को जेपी भाकर लिखकर भी खोज सकते हैं। 0° देशांतर को प्रधान यामोत्तर या ग्रीनविच रेखा कहा जाता है। और ये जो 0° देशांतर है, ये लंदन के ग्रीनविच से निकट से होकर गुजरती है, इस कारण से इसका नाम ग्रीनविच पड़ गया। ये रेखा विश्व के 8 देशों से होकर गुजरती है। ये पूछा जाता है कि ग्रीनविच रेखा विश्व के कितने देशों से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर है 8 देशों से। 180 देशांतर रेखाओं को अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। इसे 1884 में निर्धारित किया गया था। 180 डिग्री है उसको अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। और पूछा जाता है कि इसको कब निर्धारित किया गया था, तो 1884 में किया गया था। इस रेखा के पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर एक दिन कम हो जाता है, यानी पश्चिम से पूर्व की ओर जाने पर, वह पूर्व से पश्चिम की ओर जाने पर एक दिन ज़्यादा हो जाता है। दोस्तों, पृथ्वी की जो घूर्णन गति है वो किस तरफ से है, वो है पश्चिम से पूर्व की ओर,
और पश्चिम से पूर्व की ओर है, तो हम यहाँ पश्चिम से पूर्व की ओर जा रहे हैं, तो हमारे पास क्या हो जाता है, एक दिन कम हो जाता है। इसी प्रकार पूर्व से पश्चिम यानी हम उसकी गति के विपरीत जाते हैं, तो एक दिन क्या हो जाता है, ज्यादा हो जाता है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा प्रशांत महासागर से होकर गुजरती है और ये बेरिंग जल संधि से भी गुजरती है। ये कई बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर प्रशांत महासागर है। इसके अलावा ये बेरिंग जल संधि से भी गुजरती है, दोनों हो सकता है। इसके अलावा किरीबाती के सबसे पूर्वी द्वीप लाइन द्वीप जिसे कहते हैं में पृथ्वी का एडवांस्ड टाइम है, तो ये पूछा जाता है पृथ्वी का एडवांस्ड टाइम कहाँ है। इसका सही आंसर है पूर्वी द्वीप, किरीबाती के पूर्वी द्वीप जिसको लायन द्वीप है उसे। इसके अलावा ये क्वेश्चन जो नीचे आप देख रहे हो, भारत का प्रमाणिक समय 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है जो इलाहाबाद से होकर गुजरती है, तो ये क्वेश्चन आता है कि भारत का प्रमाणिक समय किस रेखा या किस देशांतर द्वारा लिया गया है, तो इसका सही आंसर है 82.5 पूर्वी देशांतर द्वारा। और ये पूछा जाता है कि भारत के प्रमाणिक रेखा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कहाँ से होकर गुजरती है, तो इसका सही आंसर है इलाहाबाद से होकर गुजरती है। दोस्तों ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। इसके अलावा आप अपने कमेंट के द्वारा ये भी बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। इसके अलावा अगर आपने हमारा इसका पहले वाला पार्ट नहीं देखा है तो यहाँ पे आप क्लिक करके पहला वाला पार्ट देख सकते हैं। ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। लेके आते हैं नेक्स्ट डिश का वीडियो जल्द ही।